हेलो। हेलो। हाँ यस मैम। जी सर, नमस्ते सर। जी मैम नमस्ते, बताइए। क्या चल रहा है उन पैसे में? हाँ ऑन पैसे में जी, मैम, देखो ऑन पैसे में सभी को, जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जितने भी यूजर्स हैं और हाँ जितने जी, भी ऑन पैसे कम्युनिटी है, उसको एक ही चीज का इंतजार है प्रेजेंट में। आज ट्वेंटी हाँ थर्ड जी, सेप्टेम्बर है, यदि करंट सिनारियो की बात करते हैं, सिर्फ उस क्लिक का इंतजार है, उस बटन दबने की देरी है, जिस हाँ दिन जी अपना ऑन पैसे वापस लौट के आ जाएगा। मतलब ओईएस को सर, ऑन आप और मैं पैसे लॉगिन लौट कर के आ पाएंगे। जाएगा। मेरी बात सुनिए सर, ऑन पैसे लौट के आ जाएगा। सब लोग यही बात कर रहे हैं कि ऑन जी पैसे लौट के आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। तो जी सर, ऑन पैसे को तो हमने खूब देख रखा है। क्या हमने देखा नहीं ऑन पैसे को? आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। लौट के आ मैम, जाने से क्या हो जाएगा सर? लौट के आने का मतलब ये है कि मैम आप वापस से लॉगिन कर पाओगे, आप अपने इकोसिस्टम को, आप सर अपने वो फाउंडर लॉगिन रोडमैप को। लॉगिन करने से ही कोई मतलब नहीं है ना सर। अब लौट के आ रहा है तो कुछ नए चेंजेस होने चाहिए ना, कुछ पैसा भी मिलना चाहिए ना सर। अच्छा, आपके कहने का मतलब है भाई लौट के आएगा तो कुछ अर्निंग होनी चाहिए, कुछ पैसा हाँ मिलना जी, चाहिए। कुछ तो अलग होना चाहिए। ऐसे तो हम उन पैसों को देख चुके, खूब देखा है, मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, सबने देखा है उन पैसों को कैसा था। तो देखो मैम, आज से 3 महीने पहले देखा था आपने उन पैसे को, ठीक है, उसके सर बाद से अब आप। कौन सा नया चेंज आ जाएगा? इतना कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज जब मानूंगी सर मैं, तो जब हमें कुछ पैसा मिले हो इससे, उन पैसों से। अब अच्छा, मतलब ऐसे आने को तो आपके आएगा सर। आपके वॉलेट में कुछ पैसा आ जाएगा जब हाँ आप जी, मानोगे कुछ कि कुछ अर्निंग नया। हो ओके हमारी। हाँ जी बिल्कुल। ओके, देखो मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार वापस लौट के ही आ जाए, ठीक है, कि ज्यादातर लोगों की जो उम्मीद है ना मैम, हाँ जी, वो टूट मतलब चुकी है, ये, ठीक है, अच्छा मतलब ज्यादातर ये सोच लोगों रहे हैं की, लोग कि आएगा ही नहीं उन हाँ, पैसे। ज्यादातर लोगों की उम्मीद जो है इस प्लेटफॉर्म चलो से उनकी टूट चुकी है, उम्मीद ठीक वाली बात भी ठीक है। है, चलो वापस आ जाए लौट के, वापस पर मैं तो लौट कुछ के नया आने का चाहती हूँ सर। मतलब ही, वापस लौट के आने का मतलब ही ये है मैम कि कुछ न कुछ ऑन पैसे प्लेटफॉर्म आपको अर्निंग देगा, ठीक है। वापस लौट के जी, आने का मतलब ही ये है, ठीक है। मैं तो मैं सर मेन मकसद यही है मेरा कि कुछ अर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए। हाँ देखो मैम, कुछ पैसा मिलना चाहिए, कुछ अर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए, आपका जो मकसद है जी, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मेरा भी यही मकसद है। आप ये मत हाँ जी, सोचो कि ऑन पैसे के जो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा है किसी भी बंदे ने, वो सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई में ज्वाइन करा है, नहीं, उसके हाँ जी, पीछे का जो रीजन है ना, वो एक ही रीजन है कि इस प्लेटफॉर्म से कुछ अर्निंग हो सके। इस हाँ जी, जो ये प्लेटफॉर्म ऐश्वर्या ने बनाया है, जो ऐसा जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, इसके जरिए अर्निंग हो सके, सभी का एक ही मकसद है, ठीक है। हाँ बट एक बार इसको लौट के आ जाने दो मैम आप, ठीक है। 30 सितंबर इसकी डेडलाइन है, ठीक है, हाँ अंतिम जी, तारीख जो है वो 30 सितंबर है। दो हाँ चार जी, पांच 10 दिन ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब लौट तीस के सितंबर में कितने दिन बचे हैं थे सर? मैम जो भी बचा है, 7 डेज बचे हैं अभी, ठीक है, आप हाँ 7 डेज मान लो, 10 मान लो, 15 डेज मान लो, मैक्स 15 डेज, जी, ठीक है। हाँ तो जी, इसकी डेडलाइन है 30 सितंबर, 5-6 दिन ऊपर नीचे जैसा मैंने आपको बताया। एक बार लौट के वापस आ जाने दो, आपके माइंड में जितने भी सवाल जो चल रहे हैं ना मैम, आप हाँ जी, अच्छा ऑटोमेटिक अपने आप ही उन सवालों का जवाब आप अपने आप से ही दे लोगे, ठीक है। देखो ऑन पैसे के जी, प्लेटफॉर्म पर मैम सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि मैम, जो ऑन पैसे ने अपना डेटा सेफ करने वाली बातें बताई थी मिस्टर ऐश्वर्या ने, ठीक है, हाँ जी, कि डेटा सेफ कर लिया है, तो हाँ हाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि अपना जो डेटा है, जिस मैंने पहले भी बताया था आपको, जिस कंपनी के पास डेटा सिक्योर होता है और डेटा सेफ होता है ना, उस कंपनी की जो जीत है ना वो 101% निश्चित होती है, मान के चलो आप, ठीक है। अच्छा दूसरी जी, बड़ी बात क्या है मैम, ऑन पैसे का जो आप फिलहाल जो करंट की डेट में जो स्टाफ है वो लिमिटेड स्टाफ ऑन पैसे ने कर दिया है, आप भीड़ अच्छा नहीं जी, है ऑन पैसे के प्लेटफॉर्म पर, ऑन पैसे के अच्छा ऑफिसर्स में एम्प्लॉयज की भीड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जी, चुनिंदा एम्प्लॉय ऑन पैसे के साथ काम कर रहे हैं, और एक मतलब विश्वास पात्र लोग जो होते हैं ना वो फिलहाल ऑन पैसे के प्लेटफॉर्म पर हैं। बाकी के जो अच्छा, वैसे जो लोग थे उनका नाम भी का भी खुलासा होने वाला है, मिस्टर ऐश ने बोला था कि वो नाम भी उनका उजागर करेंगे अच्छा जिन्होंने जी, उन पैसे के साथ गलत किया था। तो आप वेट करिए, और सबसे बड़ी बात क्या है मैम, अपने जो सीईओ हैं वो एक एक्टिव सीईओ हैं, आपने हाँ देखा जी, होगा मोस्टली 360 के वेबिनार में भी नजर आते हैं, हीरोज हाँ जी, वेबिनार में भी नजर आते हैं, और पहले जब ऑन पैसे का अपना जब ओ कनेक्ट जब चलता था, जब इसका कॉर्पोरेट वेबिनार होता था, तो हाँ उसमें भी जी, सीईओ नजर आते थे, या हाँ अपडेट जी, सेक्शन में भी, कहीं ना कहीं मतलब सीईओ की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हमेशा बरकरार रहती है। और हाँ सबसे जी, बड़ी बात, ऑन पैसिव ने जो प्रोडक्ट जो बनाने जा रहा है वो मार्केट को जो चाहिए ना, इस हाँ जी, मार्केट को जो जरूरत है, इस यूथ को, इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जिस चीज की जरूरत है, वो प्रोडक्ट ऑन पैसिव बना रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। क्यों, हाँ जी, देखो आजकल डिजिटल जमाना आ चुका है और डिजिटल टूल्स की जरूरत है,
तो डिजिटल टूल से ऑन पैसिव बना रहा है, ठीक है। बिल्कुल और सबसे बड़ी बात मैम आपने नोटिस करी होगी, देखो कोई भी टीम जी आती है ना तो बताइए। अपने आप को जीरो से स्टार्ट करती है, ठीक है। यदि आप कोई बिजनेस करते हो तो अपने आप को जीरो से स्टार्ट करते हो, बट ऑन हाँ जी पैसिव के सामने जब तक ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हुआ था ना, तब तक इसने इतनी बड़ी टीम तैयार कर ली थी अपने फाउंडिंग मेंबर्स की। 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स इसके साथ ऑलरेडी 24 घंटे तैनात खड़े हैं, ठीक है। हाँ तो जी मैम ये भी इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसका जो जी ऑटोमेशन का जो नाम मिस्टर ऐशोफारे ने दिया है कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक इनकम की बात की जा रही है, वो भी इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके हाँ जी अलावा आप जो बोल रहे हो ना मैम कि ऑन पैसिव को तो मैंने पहले भी देखा हुआ, क्या बोला था आपने? जी हाँ यही लाइन बोली थी सर मैंने तो, ऑन पैसे को आपने देख रखा है, मैंने भी देख रखा है, हम सबने देख तो रखा है, वापस आने से क्या मतलब है। मैम देखो वापस आने का यही मतलब है, मैं आपको बार बार हर बार रिपीट कर रहा हूँ चीजें, वापस आने का एक ही मतलब है कि अब की बार वाला जो ऑन पैसिव आएगा ना वो हाँ कुछ जी अच्छा डिफरेंट आएगा, ठीक है। कुछ क्या जी मतलब, बहुत कुछ उसमें बदला हुआ दिखाई देगा आपको। मेन बात रहेगी अपना प्रोडक्ट, ठीक है। जो ओ कनेक्ट, आपको जो ओ कनेक्ट का जो बदलाव वहां पे नजर आएगा ना, मेन चीज आपको वो दिखेगी वहां पे कि आप पहले वाले ओ कनेक्ट में, आज से 3-4 महीने वाले पहले ओ कनेक्ट में, आज वाले जो ओ कनेक्ट में जो फर्क नजर आएगा ना, ठीक है, हाँ जो आप जो लॉन्च होगा वो मतलब बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, ये मान के चलो आप। अच्छा जी तो मैम बहुत ज्यादा फर्क है, आप इस बात को मत बोलो कि लौट के आने से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए भी लौट के आने का बहुत मतलब है, लौट के आने का भी मतलब है, और लौट के आने के बाद एक कमाई देने का, एक पैसा देने का भी बहुत बड़ा मकसद है ऑन पैसिव का। और कहीं ना हाँ कहीं जी मैम जैसा मुझे लगता है कि ऑन पैसिव इस मकसद में कामयाब होगा ही होगा। आपको क्या लगता है, कामयाब होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर, कामयाब होने को तो लगता है कि मतलब कामयाब हो जाएगा, पर यही है सर कुछ इनकम वगैरह भी होनी चाहिए ना। जी मैम देखो यदि ऑन पैसिव की कामयाबी है तो आपकी कामयाबी है, सभी फाउंडिंग बिल्कुल मेंबर्स की कामयाबी है, जितने भी यूजर्स अपन बने बैठे हैं सबकी कामयाबी है, ठीक है। हाँ जी यदि ऑन पैसिव कामयाब हुआ तो, यदि ऑन पैसिव ही फेलियर हो गया तो मैम सब कुछ खत्म है, ठीक है। जी जिस प्लेटफॉर्म से इतनी उम्मीद लगाई लोगों ने, यदि वो फेलियर की तरफ जाता है, ठीक है, तो सब कुछ खत्म है, ठीक है। तो मेन बात यही है कि आप यही प्रार्थना करो कि ऑन पैसिव अपना सक्सेस हो जाए, एक अच्छा ऑन पैसिव अपना प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर ले। जी ऐसा तो सर कौन कहेगा कि मतलब ऑन पैसे अगर कहीं ग्रो नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर रहे, तो मैं भी नहीं चाहूंगी ये चीज तो। हाँ ये देखो मैं, देखो मैम कोई नहीं चाहता ये तो कि इस जी प्लेटफॉर्म को, आप एक बार इसको लौट के वापस आ जाने दो, ठीक है, अच्छे से हाँ जी वापस आ जाने दो इसको। जरूरी नहीं है कि जैसे सपोज करो ये 25 सितंबर को यदि आ जाता है आज से 2 दिन बाद, तो हाँ जी आते ही सब कुछ नहीं मिल जाएगा मैम, आते ही सब जी कुछ नहीं मिल बिल्कुल जाएगा। जैसा मिस्टर ऐश पहले बोल चुके हैं कि धीरे धीरे इसमें अपडेट होगा, 25 को अलग नजर आएगा, 26 को अलग नजर आएगा, मतलब डे बाई डे ऑन पैसिव का जो सिस्टम है ना वो आपको अलग नजर आता चला सर, जाएगा। मैंने तो मेरी डेडलाइन दिसंबर तक वो हाँ कर रखी मैम है ना, ठीक है, तो उस आपकी आपकी टाइम तक डेडलाइन तो कुछ आपके हो पास जाना है, चाहिए ना। आपकी डेडलाइन आपके पास है, जो भी डेडलाइन आपने डिसाइड करी है वो डेडलाइन आपके पास है, ठीक है। मेरे पास है सर, पर मतलब ऑन पैसे के हिसाब से भी तब तक तो बहुत कुछ अलग हो जाना चाहिए ना, हाँ अगर आपके एक डेडलाइन के महीने की ये अकॉर्डिंग, लोग बात बिल्कुल कर रहे बिल्कुल थे। आपके डेडलाइन के अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। जी वो बिल्कुल दिसंबर की बात है, वो वाली बात है जो आप जो बता मैं रहे हो चाहती मैम। हूँ वो हो जाना चाहिए उस टाइम तक तो सर, मैम देखो उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आप चाहो कि गारंटी ऑन नहीं है, पैसे पर मैं बता रही हूँ कि मतलब आप इतना चाहो टाइम कि दिया है मैंने तो। आप आपने जो अपनी डेडलाइन, खुद की डेडलाइन बना रखी है 30 सितंबर हाँ 31 दिसंबर, जो भी आपने ऑन डेडलाइन बना रखी है अपनी, आप चाहते हो कि ऑन पैसिव मेरी सारी पॉकेट सारे धंधरवार भर दे इतने दिनों में, तो दैट्स नॉट जी पॉसिबल, ठीक है मैम। एक लिमिटेड पैसे की बात आप बात कर सकते हो, ठीक है। हाँ लिमिटेड लिमिटेड जो भी है सर, स्टार्ट हो जाए अर्निंग, मैं तो आप ये लिमिटेड चाहती हूँ। अर्निंग की बात कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, ठीक हाँ है। जी वो भी तो तब है, तब इसका प्रोडक्ट हाँ चलेगा, ठीक है। यदि जी तो प्रोडक्ट नहीं चला तो वो लिमिटेड भी नहीं है, ये मान के चलो आप, ठीक है। मेन वही बात तो है सर मैं बोल रही हूँ कि आने आने से क्या होगा, ऑन पैसे आ जाएगा यही बातें हो रही हैं सब, पैसे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। पैसे की बात, मैम कर रहे हैं ना, पैसे की बात कर रहे हैं ना, आप और मैं हाँ पैसे की जी बात कर रहे हैं, अपने को सुनने वाले लोग पैसे की बातें कर रहे हैं, हर हाँ बंदे के जी मन में पैसे की बात है मैम, ऐसी बात नहीं है। मकसद एक ही है इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का, और आज के जमाने में जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, यदि उसको कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है उसके पीछे एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ पैसा अर्निंग कमाना, ठीक है, जी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। आज की दो दुनिया है पैसे के पीछे भाग रही है, आप भी मैं भी हर एक बंदा इस फिराक में रहता है कि मुझे कोई ऐसा एप्लीकेशन मिले जिसके जरिए हाँ मैं जी अपनी अर्निंग कर सकूं, अपना पैसा कमा सकूं, ठीक है। हाँ तो जी ऑन जी पैसे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस भी बंदे ने ऑन पैसे को ज्वाइन करा है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ऑन पैसे के प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना मैम, नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई कोई वो नहीं है, जैसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो आप जी इसमें बिल्कुल देखो ऑन पैसे अपनी बातों पर यदि कायम रहता है, ठीक है, ऑन हाँ पैसिव ने ऑटोमेटिक ट्रैफिक की बात करी है कि हम फाउंडिंग मेंबर्स को ऑटोमेटिक ट्रैफिक देंगे। एक तो पहली हाँ जी बड़ी बात यह है कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक पे यदि वो कायम रहता है,
पेमेंट हाँ जी स्ट्रक्चर की इसमें बात बोली थी, फर्स्ट सेल का 100% और सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी सेल होगी सबका हम 25% देंगे, ठीक है। हाँ वो जी चेंज भी कर सकता है ऑन पास, ठीक है, वैसी बात नहीं है, वो चेंज नहीं कर सकता। हो सकता है कि अब जो नया प्लान आएगी वो करेक्टिव, उसमें सारी चीजें चेंजेस हो जाए। हाँ बोनस जो जी रहेगा मैम सभी बंदे का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स रहेगा सभी का बोनस डिफरेंट रहेगा। जिस हिसाब से अच्छा उसने ऑन पैसे के प्लेटफॉर्म पर मेहनत करी है उसी के अकॉर्डिंग उसको बोनस मिलेगा। तो ये हाँ जी बहुत सारी चीजें ऑन पैसे के प्लेटफॉर्म में सेट की हुई है। मेन बात यह है कि ऑटोमेटिक, हाँ जी ऑटोमेटिक का जो इन्होंने नाम लिया है ना कि हम फाउंडिंग मेंबर्स को ऑटोमेटिक ट्राफिक देंगे, तो हाँ सबसे जी बड़ी बात यह है कि आपको मतलब, देखो मैम एक तो क्या होता है, देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप अमेजोन जो है, अमेजोन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, दुनिया भर की कंपनी है, ठीक है। वो क्या हाँ करती है, आप उनके प्रोडक्ट को बेचो और उनसे आपको 20 से 25% कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। जी वो क्या करते हैं, आपको एक अफिलिएट लिंक तैयार करके देते हैं, ठीक है। कम उसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बट मेन हाँ मुद्दे जी वाली बात क्या है कि ऑन पैसिव ये बोल रहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, विदाउट कुछ किए आपको अपना अफिलिएट भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, तब हम अच्छा आपको जी ऑटोमेटिक ट्रैफिक देने जा रहे हैं। ऑटोमेटिक आप यूजर से, ऑटोमेटिक बायर से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, और उससे जो कमीशन जनरेट होगा वो आपके अकाउंट में आएगा। दैट्स द मेन थिंग, सबसे बड़ी बात ऑन पैसे की ये है मैम, ठीक है। हाँ तो जी आप इंतजार करिए, जिन लोगों की उम्मीद लौट के आने में है उन लोगों की उम्मीद भी बरकरार है, और जो लोग ऑन पैसे से इनकम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, हाँ उनके जी भी शायद मैम कुछ ना कुछ रुझान, कुछ ना कुछ संकेत, जब ऑन हाँ जी पैसे लौट के आप वापस आ जाएगा तो कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे, ठीक ओके है मैम। सर हाँ जी ठीक है मैम, तो बी हैप्पी और ऑन पैसे के साथ बने रहिए। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 360 वेबिनार में, मे भी यदि मिस्टर ऐश्वर्य आते हैं तो हाँ शायद जी अपडेट, एक रिपीट अपडेट या जो भी अपडेट सुनने को मिलेगी, शायद उसके जरिए और भी क्लियर हो जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में उन पैसे क्या करने वाला है, ठीक है मैम। ठीक ओके ओके है मैम, ओके, थैंक यू मोस्ट वेलकम।